एक बार आप सभी विद्यार्थी बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं, आप सभी लोगों को ऑडियो वीडियो दोनों विजिबल हैं? अगर हैं तो एक बार आप सभी विद्यार्थी बता दें कि हाँ ऑडियो और वीडियो दोनों बढ़िया आ रहे हैं। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को भी शेयर करेंगे, जो भी विद्यार्थी हैं एक बार ऑडियो चेक करेंगे कि ऑडियो आ रहा है मेरा सही सा। और जो भी विद्यार्थी हैं, जो विद्यार्थी जुड़ चुके हैं वो एक बार वीडियो सभी को सेंड कर दें कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब हम लोग भैया आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे प्रतिदिन, लेकर के आ रहे प्रतिदिन, लेकर के आ रहे ठीक है, आवाज ठीक है। अब हम आप लोगों के लिए प्रतिदिन लेकर के आ रहे हैं क्लास। देखो अगर आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो ना तो हम पढ़ाने के लिए तैयार, अगर आप सभी लोग पढ़ने के लिए तैयार हो तो हम पढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। आप सभी लोग क्लास को शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों से कहें कि वो जुड़े क्लास में। और मैं आपको आपसे वादा करता हूं कि डेली आपकी क्लास, आप सभी विद्यार्थियों की डेली क्लास करवाई जाएगी और उस क्लास में आपका सिलेबस ही कंप्लीट करवाया जाएगा। जैसे कि आज मैंने स्टार्टिंग करी है सबसे पहली क्लास की, कौन सा एक बच्चा इसमें इस समय अभी है, एक बार सभी बच्चे नाम लिख देंगे जो भी बच्चे लाइव हैं, एक बार नाम लिख देंगे सभी बच्चे, जो भी बच्चे इस समय लाइव हैं एक बार नाम लिख देंगे, जो भी बच्चे आ चुके हैं एक बार नाम लिख देंगे और क्लास को शेयर कर दें सभी ग्रुप पे, बता दें दोस्तों को कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन पहला चैप्टर है वो बायोलॉजी का है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो आपको यहां पर दिख रहा है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा सलोनी आ चुकी हैं, बहुत बढ़िया, और भी सभी बच्चे नाम लिख दें जो भी बच्चे आ चुके हैं, एक बार मैं जान जाऊं कि कौन कौन से बच्चे आ चुके हैं। सलोनी की प्रेजेंट लग चुकी है, सलोनी आ चुकी हैं, सभी बच्चे एक बार नाम लिखेंगे। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है उसका नाम है, मेन चैप्टर का नाम ही है, क्या नाम है प्यारे साथी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की क्या है मौलिक इकाई या आधारभूत इकाई कौन, आधारभूत इकाई कौन है, सेल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा धर्मवीर गौतम आ चुके हैं, अच्छा जो भी नाम है हर्षित या रिषित आप लिख दें एक बार जो भी हो भैया, और आप लोग अपना नाम लिख दिया करो नीचे, जब भी आप लोग क्लास ज्वाइन करो सबसे पहला काम आप सभी लोग नाम लिख दो ताकि हम भी पहचान सकें कि कौन कौन से बच्चे आ चुके हैं। जल्दी चलिए तो आज हम पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेल के बारे में कि व्हाट इज ए सेल, सेल क्या है, कोशिका क्या है। तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, सेल इज द फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमने लिखा, हमने लिखा सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, एंड फंक्शनल भी आप यहां चाहोगे तो लिख सकते हो, यहां पर अगर आप चाहो तो एंड फंक्शनल भी लिख सकते हो, एंड फंक्शनल क्यों, क्योंकि काम भी करती यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि उसका कोई ना कोई एक फंक्शन भी है। तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेल क्या है, सेल एक काम करने वाली पूरी सेल, जितनी भी आप सेल की मैं बात करूं कोई भी सेल्स हो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसका काम क्या है, वो फंडामेंटल है, यूनिट है लाइफ की। यानी आप कहोगे सर आप यूनिट क्यों बोलते हो सेल को, यूनिट का मतलब क्या है। तो अगर मैं आप लोगों को समझाऊं कि यूनिट क्या है या यूनिट का मतलब क्या है, तो देखो आप लोग इतना तो इंग्लिश से कमजोर नहीं हो, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं जो भी पढ़ रहे हैं, कि यूनिट का मतलब होता है इकाई, यानी कि जहां से ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जहां से जीवन का आधारभूत इकाई, जहां से जीवन स्टार्ट हुआ, राइट, जहां से जीवन स्टार्ट हुआ उसको हम बोलते हैं सेल।
सर अब इसमें एक चीज आई है लास्ट में लिखा यूनिट ऑफ लाइफ, यहां लाइफ का मतलब क्या है? जीवन, यहां पर जीवन का मतलब नहीं है, यहां पर लाइफ का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी, उन सभी की क्या है फंक्शनल यूनिट? कौन? सेल। स्टार्टिंग ऑफ लाइफ हर्षित लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ऐसे आप सभी लोग लिखते रहे कमेंट में जो भी आपके मन में है। तो सेल इज द फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें लाइफ का मतलब मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब अगर मैं बात करूं कि सर आपने अभी बताया कैसे फंडामेंटल है, कैसे स्ट्रक्चरल है, थोड़ा इसके बारे में आप मुझे आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे कैसे होगी। तो इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो यहां पर हेड पड़ेगी स्ट्रक्चरल। देखो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूंगा, हाँ स्ट्रक्चरल फंडामेंटल की बात मैं करूंगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ किसकी? लिविंग सेल के बारे में, हाँ इन लिविंग सेल लिख लो, ऑर्गेनिज्म लिख लो, कुछ भी लिख लो, ऑर्गेनिज्म। ये हेडिंग, इसको समझेंगे कैसे है? देखो ये क्या है, आप सभी लोग कमेंट में आंसर बताते रहे, ये क्या है? सेल। क्या है? सेल। एक सेल से मिली, जब एक सेल्स मिली तो बहुत सारे क्या बने? ग्रुप ऑफ सेल्स। भाई एक से ज्यादा सेल्स मिलाएंगे आपस में, राइट? भाई एक से ज्यादा सेल्स मिल रही है आपस में, ये देखो एक से ज्यादा सेल्स मिली तो ये क्या बना? टिश्यू। सेल्स, सेल से स्टार्ट हुआ और सेल से मिलकर के क्या बना? टिश्यू बन गया, टिश्यू बन गया। और इस टिश्यू, एक सेल थी सेल, जब बहुत सारी सेल्स मिली तो टिश्यू बना, और जब बहुत सारे टिश्यूज मिले तो क्या बना? ऑर्गन, यानी कि अंग बन गया। अब अंग क्या है? नोज, आईज, ये सब क्या है? अंग है, ये अंग बन गया। यहां से आप समझो, एक सेल थी, एक सेल से बहुत सारी सेल्स, एक सेल से जब बहुत सारी सेल्स मिली तो टिश्यू बनाया, ऐसे ही जब बहुत सारे टिश्यू मिले तो क्या बनाया? ऑर्गन बनाया, और जब बहुत सारे ऑर्गन मिले तो क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कैसे बना? जैसे समझो मैं आपको बताता हूं ऑर्गन सिस्टम कैसे बना। ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यू को ही हम ऑर्गन बोलते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम कैसे बना? ग्रुप ऑफ ऑर्गन, जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिला तो ऑर्गन सिस्टम बना। कैसे बना वो ऑर्गन सिस्टम? देखो अब बात समझो, यहां पर हमारे पास क्या है? माउथ है, टंग है, और यहां पर क्या है मेरे पास? ये फूड पाइप है ना, फूड पाइप है, विंड। तो अगर फूड पाइप में मुंह मिलाया गया, दांत मिलाए गए, जीभ मिलाई गई, इन सब चीजों को जब मिलाया गया ना, तो पूरा मेरा एक क्या बना? मेरा पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया। ऐसे ही हमारे पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है ना, स्टमक, पैनक्रियास, इन सब ऑर्गन्स को जब मिलाया गया तो क्या बना? मेरा डाइजेशन सिस्टम बन गया, डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। बना नहीं बना? तो यानी कि जब एक से ज्यादा ऑर्गन मिलेंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, और भी आ जाओ नर्वस सिस्टम। अरे सर कितने सिस्टम बताओगे, बंद करो सिस्टम बताना, आगे पढ़ाओ। तो आ जाओ आगे देखते हैं, छोड़ो हटाओ। तो ऑर्गन सिस्टम हो गया, और ऑर्गन सिस्टम के बाद ही क्या बना? लिविंग ऑर्गेनिज्म बना, जो कि हम और आप सब लोग हैं। हम और आप दोनों लोग क्या हैं? जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं और जो नहीं पढ़ रहे इस दुनिया में, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है?
लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबके सब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो मैंने आपको ये बताया, क्या आपको ये समझ में आया कि सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और सेल बनी क्या? एक सेल थी, सेल के ऊपर क्या, सेल का जब बहुत सारे ग्रुप्स मिले, सेल के बहुत सारी सेल्स मिली, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोले? टिश्यू बोले। ग्रुप ऑफ टिश्यूज को हम क्या बोले? ऑर्गन बोले। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम क्या बोले? ऑर्गन सिस्टम बोले। और इसी ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट बॉडी हमारी बन गई। ये हमने इतना थोड़ा सा बेसिक पढ़ा। इस बेसिक में आप सभी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तो आप कमेंट करके तुरंत पूछो। अभी मैं इस टॉपिक पर हूँ, आपको तुरंत बताऊंगा, आप लोग तुरंत पूछें मुझसे अगर इसमें भी कोई दिक्कत है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो देखो, मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, योगेश आ चुके हैं, चलो बहुत बढ़िया। सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, जो भी बच्चे अभी आए हैं वो क्लास को लाइक कर देंगे एक बार। चलो अब हम पढ़ते थोड़ा सा इसकी डिस्कवरी के बारे में, डिस्कवरीज। किसके बारे में? डिस्कवरीज रिलेटेड सेल्स। देखो डिस्कवरी जो हम पढ़ेंगे वो हम किसके रिलेशन में पढ़ेंगे? सेल्स के, यानी कि सेल की जो खोज हुई उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में आता भी है कि डिस्कवरीज ऑफ सेल्स रिलेटेड या डिस्कवरी रिलेटेड सेल्स, उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। देखो अगर मैं कहूँ सेल की डिस्कवरी किसने करी, तो आप लोगों को एक नाम पता होना चाहिए। 1665 में एक महान वैज्ञानिक आया जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उसका? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल्स की खोज करी, यानी कि कोशिका को जाना कि ये कोशिका भी कुछ होती है, सेल्स भी कुछ होती है। कब जाना? 1665 में। ये क्वेश्चन रट लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है कि सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल्स, कि सेल्स की खोज किसने करी, सेल्स को देखा किसने सबसे पहले, भाई सेल्स कहां से आई, कैसे पता चला कि ये सेल्स है, तो उसको देखा था मेरे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी कर दी। किसकी? सेल की डिस्कवरी कर दी। लेकिन अगर कोई पूछे इसका टर्म किसने दिया, सेल्स टर्म किसने दिया, नाम किसने दिया सेल्स, तो टर्म भी इसी ने दिया। किसने? रॉबर्ट हुक ने ही दिया टर्म। यानी कि इनका नाम भी, यानी कि इनको सेल कह के पुकारा भी किसने? रॉबर्ट हुक ने। और इनकी खोज भी सबसे पहले किसने करी? रॉबर्ट हुक ने ही करी। लेकिन एक दुर्भाग्यवश बात देखो इनके दिमाग से क्या आई, इन्होंने जो सेल्स की खोज करी थी वो डेड सेल्स थी। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत फेवरेट है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि डेड सेल्स कि सबसे पहले किस सेल्स की खोज हुई, तो सबसे पहले जो प्यारे साथी खोज हुई थी वो डेड सेल्स की हुई थी, यानी कि मृत कोशिका की, मरी हुई, मरी हुई। रॉबर्ट हुक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रॉबर्ट हुक ने करी, लेकिन किसकी करी? डेड सेल्स की। तो डेड सेल्स की खोज हुई रॉबर्ट हुक ने कब करा? सेम टाइम में करा, ऐसा नहीं था कि उस समय नहीं करा, लेकिन करा उसी समय, लेकिन लिविंग सेल्स नहीं कर पाए। तो सर लिविंग सेल्स, सर उसके बाद दूसरी बात एक और आती, सर आपने बताया कि सेल्स की खोज हुई, लेकिन इस सेल्स की खोज कहां से हुई? कुछ थोड़ा सा इस परिप्रेक्ष्य में अगर जानकारी हो तो बता दी जाए। इन द कॉर्क, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक ऑक का ट्री था, ऑक ट्री आप लोग जानते हो, ऑक ट्री का कॉर्क से, किसके? ऑक ट्री को देखा था, और ऑक ट्री से ही डेड सेल्स की खोज हुई, जो कि इसने बताया कि कॉर्क से हुई, ऑक ट्री के कॉर्क से निकाला था,
और उसी में से देखा तो सबसे पहले डेड सेल्स की खोज वहां से हुई। ओकट्री था, ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है कि सेल्स, डेड सेल्स की खोज किस ट्री से हुई थी, तो ओकट्री से हुई थी। आप लोग ध्यान रखेंगे ओकट्री से हुई थी ये डेड सेल्स की। लेकिन दूसरा क्वेश्चन तुरंत एनसीईआरटी में पूछा जाता है, अगर डेड सेल, देखो एनसीईआरटी तो बनाता है क्वेश्चन, अगर यहां से डेड सेल्स इन्होंने करी तो फिर लिविंग सेल्स किन्होंने करी, तो लिविंग सेल्स किन्होंने करी, तो उनका नाम था एंटोनियो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, लीवेनहॉक, एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने कब करा भैया, ठीक 9 साल बाद, 9 ईयर आफ्टर। 9 साल बाद कहानी क्या बिगड़ी भैया, तो 1665 में हुआ था, उसमें 9 साल आप और ऐड कर दो तो 169 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट बताओ, इसमें 9 साल अगर और ऐड कर दिए जाएं तो कितना हो जाएगा, 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, हिंदी में भी लिख लो ना पढ़ पाओ तो, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, लीवेनहॉक ने क्या करा था, लिविंग सेल्स की खोज करी थी, जीवित कोशिका को देखा, लिविंग सेल्स को देखा यानी कि जीवित कोशिका को देखा, उन्होंने डेड देखा और इन्होंने जीवित कोशिका देखा। थोड़ा सा आपको नाम पढ़ने में दिक्कत होगी शुरू शुरू में, लेकिन अगर आप करोगे, इस सब्जेक्ट की एक यही खासियत है, इस सब्जेक्ट की एक यही खासियत टर्मिनोलॉजी है सब्जेक्ट, इसमें टर्म अगर आप समझ गए ना तो यह बहुत बढ़िया सब्जेक्ट। थोड़ा सा इसके टर्म पर फोकस करेंगे और टर्म को समझेंगे कि टर्मिनोलॉजी क्या, पूरी बायोलॉजी टर्मिनोलॉजी है। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, और आप लोग मेहनत अगर मेरे साथ कर रहे हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो आपको बायोलॉजी जरूर आएगी, इतना तो मेरा वादा है, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए, इस तरीके से हम आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। एक बार सभी विद्यार्थियों को वीडियो साफ दिख रहा, अगर आपको थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं दिख रही है तो आप अपने फोन में जा करके थोड़ा सा इसकी सेटिंग से इसकी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, 720 में कर लीजिए तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा, और अगर थोड़ी सी आप स्पीड भी बढ़ा लेंगे ना 1.5 कर लो तो जो मैं यहां बोलता हूं तुरंत आपको वहां सुनाई देगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं बोलता यहां पहले हूं, आपको सुनाई वहां थोड़ा बाद में देता होगा। तो ये लाइव का है सेशन, तो थोड़ा सा इसकी अगर आप स्पीड बढ़ा लोगे तो आपको जो मैं यहां बोलूंगा वो तुरंत आपको वहां सुनाई देगा, जो मेरी स्पीड यहां है वही स्पीड आपके भी फोन में हो जाएगी। सभी अभिभावकों से मेरा एक कहना है, जितने भी बहुत सारे अभिभावक हो सकता हूं अपने बच्चों के पास में, तो उनसे मेरा ये कहना है कि आज का युग जो है वो पढ़ाई का युग है, थोड़ा सा बच्चों को लेकर के बी अटेंटिव पढ़ाई के प्रति। आप कोई बात नहीं, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, पढ़े लिखे हो तो विलन गुड, अगर नहीं हो थोड़ा बहुत कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये तो देख सकते हो कि मेरा बेटा कितने घंटे पढ़ रहा है, मेरी बेटी कितने घंटे पढ़ रही है, उसको तो आप देख सकते हो। एनसीईआरटी सिलेबस जब से आया थोड़ा सा चेंजेस हो गया है, फिर उसके बाद नेप आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें थोड़ा सा अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो पता चला आपने बहुत सारे पैसे भी पढ़ाई में लगा रहे हो, आजकल बहुत महंगी शिक्षा हो रही और फिर उसके बाद में भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो कोई फायदा नहीं। जो मैं बता रहा हूं, जो अभिभावक नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को, मात शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, वो माता पिता अपने बच्चे के शत्रु या दुश्मन है, जो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते, उसका नाम ही कहीं नहीं लिखवाते, उसको पढ़ने के लिए कहते ही नहीं, वो उसके दुश्मन है। क्यों? क्योंकि उसका फ्यूचर अंधकार में कर रहे हैं वो। अगर आपकी एक डांट से, आपके गुस्से से आपका बेटा पढ़ रहा है, आपके बेटे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है,
तो क्या क्या जा रहा है आपको डांटने में? प्यार से समझाओ। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं, आप समझाओ उन्हें कि बेटा पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करेंगे। बहुत अच्छे बच्चे हैं आजकल के, तो आ जाओ। एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने क्या करा था 1674 में, लिविंग सेल्स यानी कि जीवित कोशिका की खोज कर दी थी। किसने? एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने खोज कर दी थी। अब भैया उसके बाद क्या हुआ? अब यहां तक मेरी बात ध्यान से समझ गए आप सभी लोग? अब इसके बाद इसका आप नोट्स बना लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो, ले लो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सब लोग आराम से अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके नोट्स बनाओ और उन्हीं से पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो। बाकी के जो चीज़ें ना समझ में आए उसके लिए मैं हूँ ही, मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम आप लोग जानते हो, रॉबर्ट ब्राउन। सब बच्चे बताएंगे रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था। रॉबर्ट ब्राउन कौन आए? हमें लग रहा उस समय जो रॉबर्ट नाम था, यहाँ रॉबर्ट हुक थे, यहाँ रॉबर्ट ब्राउन आए, कुछ ट्रेंडिंग में चल रहा था नाम, क्या ये ब्राउन और हुक ब्रा रॉबर्ट रॉबर्ट आ रहा, हमें लग रहा उस समय कुछ ट्रेंडिंग में चल रहा था। लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाई ए लीवेनहॉक, न्यूक्लियस की खोज करी, बहुत बढ़िया। कपिल का आंसर आया है कि कपिल ने बताया कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी। लेकिन अगर मैं पूछूं न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल को। ये न्यूक्लियस क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करके रखता अपने अंदर, स्टोर करके रखता न्यूक्लियस। तो यहां पर लेकिन अगर मैं पूछूं किस सन में करी, आप सभी बच्चे बताएं रॉबर्ट ब्राउन ने किस सन में न्यूक्लियस की खोज करी। हाँ, ब्रेन ऑफ सेल्स बोलते हैं, बहुत बढ़िया, इसको ब्रेन ऑफ सेल्स बोलते हैं, इसको कंट्रोल रूम ऑफ सेल्स भी बोलते हैं, ये भी आप लिखना चाहो तो लिख लो कहीं। ये पूरी सेल्स को कंट्रोल करके रखता है न्यूक्लियस। तो ब्रेन ऑफ सेल्स तो है, ब्रेन क्या करता, पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता ना प्यारे साथी। तो ये पूरी बॉडी को, ये पूरी सेल्स को कंट्रोल करके रखता है। अरे कौन कंट्रोल करके रखता है? पूरी सेल्स को कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम, डीएनए, ऐसी चीजें, जेनेटिक मटेरियल जो भी है वो होता है इसमें। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कब खोज करी? तो भैया इसको आप लिखोगे 1831 में, 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, केंद्रक की खोज इन्होंने करी, न्यूक्लियस की खोज इन्होंने करी, केंद्रक को बताया। अब सर केंद्रक क्या होता? सेंटर ऑफ सेल्स, ब्रेन ऑफ सेल्स, कंट्रोल रूम ऑफ सेल्स, है ना, जेनेटिक मटेरियल जहां स्टोर होते हैं वो, वही मैं बता रहा। अभी मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा कि सेल्स क्या है। तो सेल्स के अंदर जो के न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस आपने पढ़ा होगा। कोई जरूरी नहीं है सेंटर में ही हो, कोई ये जरूरी नहीं है कि ये सेंटर में ही हो। तो इन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी। प्यारे विद्यार्थियों इतनी बात याद रखना। अब अगर मैं और बात बताऊं तो एक अब यहां पर मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूं न्यूक्लियस का, यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर हां न्यूक्लियस। मान लीजिए कोई सेल्स थी और इस सेल्स के अंदर कोई ये न्यूक्लियस था, इसके अंदर ये डीएनए भरा हुआ, राइट। इसकी खोज किसने करी? ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस जिसको आप बोलते हो। इसकी कोई जरूरी नहीं सेंटर में ही हो, जो मेरी सेल्स थी ना उस सेल्स के अंदर है। यहां पर जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर कर रखा, कंट्रोल करता पूरी सेल्स पर, ये कौन? न्यूक्लियस। अब मेरी बात ध्यान से समझो, एक वैज्ञानिक और आए और उनका नाम था पुरकिंजे। क्या नाम था? पुरकिंजे। पुरकिंजे आए, अब पुरकिंजे ने क्या करा? मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को पढ़ने में परेशानी ना हो। पुरकिंजे ने क्या करा? ये पुरकिंजे नाम का जो भाई वैज्ञानिक आया, आए, इन्होंने क्या करा 1839 में,
कब? 1839 में। ये बात याद रखना, पुरकिंजे आए और पुरकिंजे ने 1839 में एक नई बात बता दी। क्या बता दिया? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की खोज कर दी, प्रोटोप्लाज्म की खोज कर दी। क्या करा? प्रोटोप्लाज्म की खोज कर दी। सर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? बताएंगे कोई लोग कि प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, लिविंग पार्ट ऑफ सेल, लिविंग पार्ट ऑफ सेल आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। लिविंग पार्ट ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। लिविंग पार्ट, सेल का लिविंग पार्ट, सेल का लिविंग पार्ट ही क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। तो लिविंग पार्ट ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। देखो प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म। निखिल तोमर, हेलो भैया, आ गए आप, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहा हूं, कपिल थोड़ा बी अटेंटिव, ध्यान देके सुने। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है और प्रोटोप्लाज्म क्या है, कोई बच्चा मुझे बताएगा इसका? कोई बच्चा मुझे डिफरेंस बताएगा क्या है? अगर एक बार आप बताओ, मैं आपका एक मिनट वेट करता हूं कि साइटोप्लाज्म क्या है और प्रोटोप्लाज्म क्या है। बताएं आप लोग। डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। गूगल मत करना कोई भी लोग, कोई भी बच्चा गूगल बाबा से नहीं पूछेगा, आप अपने आप से बताओ। नहीं पता, मैं बताता हूं आपको। देखो ध्यान से सुनो, मैं इसको इरेज कर दूं। चलो मैं इसको इरेज करता हूं। 1885 क्या? एक मिनट का समय। क्या बता रहे हो आप? नाम लिख के बताओ पूरा, क्या कहना चाह रहे हो आप? देखो भैया, जो मैं आपको ये बता रहा हूं बिल्कुल रामबाण बात बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं विद्यार्थियों के पांच ही लक्षण होते हैं। काकतिष्ठा वकुध्यानम स्वान निद्रा तथयोचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थी के पांच ही लक्षण हैं, काक चेष्टा यानी कि कौवे जैसी चेष्टा, वको ध्यानम बगुले जैसा ध्यान, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा कुत्ते जैसी नींद, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथयोचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। अल्पाहारी कम भोजन करने वाला और गृहत्यागी घर को त्याग कर विद्याध्यन करने वाला। घर को त्याग दे जब पढ़ाई करने जाए तो अपने घर को त्याग दे विद्यार्थी पंच लक्षण। ये विद्यार्थी के मेन पांच लक्षण। अब इसमें से आपके पास कितने हैं आप जान सकते हो। अब मैंने एक टॉपिक अभी आपको बताया था कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और दूसरा था साइटोप्लाज्म। दो नाम मैंने लिखे आपके सामने कि प्रोटोप्लाज्म क्या है और साइटोप्लाज्म क्या है। आज इसका कहानी किस्सा खत्म कर देते हैं। तो हाँ, साइटोप्लाज्म इज द अच्छा, बहुत बढ़िया, माने नहीं, कर लिए गूगल। देखो भैया, साइटो सेल्स है ये, और इस सेल्स के अंदर, इस सेल्स के अंदर ये न्यूक्लियस, राइट। इस न्यूक्लियस को छोड़कर
भाई सेल्स में बहुत सारी डेड चीजें भी हैं और बहुत सारी, भाई इस सेल्स के अंदर बहुत सारी मरी हुई चीजें भी तो हैं। ये क्या है मेरा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो ये भरा हुआ है जेली लाइक स्ट्रक्चर, राइट, जेली लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड प्रोसाइटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म तो मैंने आपको बता ही दिया कि लिविंग सेल्स क्या होगा प्रोटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको अभी बताया कि लिविंग पार्ट ऑफ सेल्स, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये क्या है लिविंग पार्ट ऑफ सेल्स, ये लिविंग पार्ट है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस, ये क्या है प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि जीवित है, मैंने कहा लिविंग पार्ट ऑफ सेल्स, लेकिन इसके अंदर जो जेली लाइक का स्ट्रक्चर भरा है ये क्या है साइटोप्लाज्म। थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ाई करेंगे, बहुत सारे बच्चे इसको प्रोटोप्लाज्म लिख करके आते हैं, नहीं ये प्रोटोप्लाज्म नहीं है, प्रोटोप्लाज्म वह है फिल इन सेल, प्रोटोप्लाज्म फिल इन सेल नहीं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से पूरी सेल फिल है। प्रोटोप्लाज्म क्या, लिविंग पार्ट ऑफ सेल्स, डेड को छोड़ दो, केवल लिविंग पार्ट ऑफ सेल्स ही क्या है प्रोटोप्लाज्म है। तो उसको थोड़ा प्रोटोप्लाज्म पढ़ेंगे और इसको साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म क्या करता है, ये सेल ऑर्गेनली जो होते हैं, सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनली होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, है ना, आरएनए, डीएनए, इन सबके जो जीवित चीजें हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म इन सब के बीच में भरा होता, ताकि आपस में किसी की टक्कर ना हो, इसी में वो ऑर्गेनली अपना घूमते रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो आज आपको यह समझ में आ गया कि साइटोप्लाज्म क्या है और प्रोटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म हमेशा क्या होता, थोड़ा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर मैंने कहा भरा हुआ है, समझ रहे हो आप, लेकिन जो प्रोटोप्लाज्म है वो लिविंग पार्ट ऑफ सेल्स। तो अब मुझे आशा है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोटोप्लाज्म क्या है और साइटोप्लाज्म क्या है। अब उसके बाद आता है हमारा इसके बाद का जो बात है, देखो हमने ये पढ़ा कि सेल क्या है, सेल की खोज कैसे हुई, सेल की डिस्कवरी किसने करी, अब हम पढ़ते हैं क्या सर सेल्स जो हैं, हाँ नहीं, क्या सेल्स जो हैं उनका शेप, साइज और नंबर सब कुछ सेम है। तो यहां हेडिंग आएगी शेप कॉमा साइज कॉमा नंबर, नंबर ऑफ सेल, मैंने एक हेडिंग डाली शेप साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स, ये मैंने एक हेडिंग डाली, राइट। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे शेप पढ़ेंगे, इसका इसका हम साइज पढ़ेंगे, इसका हम नंबर पढ़ेंगे। तो ऐसा हम करते हैं, पहले नंबर ऑफ सेल्स पढ़ लेते हैं, हेडिंग आएगी नंबर ऑफ, इधर से पढ़ते हैं थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, नंबर ऑफ सेल्स और सेल हेडिंग आएगी मेन। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, मैं आपको दंत कथा नहीं पढ़ाऊंगा कि मैं आपके सामने बुक लाऊं और बुक में जो लिखा है वही बताता चला जाऊं, नहीं, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो अपने आप से फ्लो चार्ट बना करके उस पर अच्छी तरीके से आपको कैसे पढ़ाया जाए, कैसे काम बताया जाए आपको, ताकि आपके समझ में अच्छी तरीके से आए, मैं इस प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा। आप अपनी बुक उठा के देख लेना, जो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं आपकी बुक में इस प्रकार से नहीं लिखा, ये अपने आप से उस बुक से बनाया हुआ कॉन्टेंट है, ताकि प्री विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से समझ में आए। क्यों भाई प्यारे गुड्डा, एक बार आप सभी लोग बोलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, एक बार आप बोलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा। जो बच्चे इस समय लाइव है सब बच्चे नाम लिखेंगे और एक बार क्लास को लाइक करेंगे प्लीज, सभी बच्चे, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे इस समय हैं। निखिल तोमर का आ गया, बोल दिया इन्होंने, ठीक है बहुत बढ़िया, और आ गया फटाफट फटाफट, सभी बच्चे एक बार बताएंगे क्या आपको मेरा ये, मेरी ये क्लास समझ में आ रही है, आप सभी बच्चे बताएंगे। हाँ हाँ आ गया बीके मिश्रा, अच्छा ठीक है, और बच्चे कहाँ,
बस दो ही लोग, बाकी सो गए सब क्या? ठीक है, कपिल का भी आ गया, सब बच्चे सो गए ये फोन लगा करके। हम तो यहां ऐसे मेहनत कर रहे हैं, सब सो गए भैया, तीन बच्चे जग रहे हैं, केवल तीन बच्चे जग रहे हैं, बाकी सब सो गए। आज लगा करके बढ़िया फोन, बेड पे लेटे हैं, पंखा चल रहा, कूलर चल रहा, देख रहे हैं, चलो कि मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, आ जाओ भाई सेल से, कोई बात नहीं, तीन पढ़े। अच्छा आ जाओ सेल्स पढ़ते हैं। सेल्स के नंबर अगर मैं पढ़ूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑफ सेल कंपोजिशन, सेल कंपोजिशन इसका, अगर हम इसके सेल के नंबर पर, नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर इसका हम अगर डिवाइडेशन करें तो इसके नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर जो होगा ये भैया, इसके बेस पर टू टाइप की सेल्स होती है। टू टाइप की, पहली वाली सेल्स का नाम है, पहली वाले यूनिसेलुलर, और दूसरे वाले का नाम है मल्टीसेलुलर। ये तो बहुत हलवा बोल दिया गुरुजी आपने, ये तो बहुत ही सरल है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, खूब पढ़ा, पढ़ पढ़ के तो खोपड़ी में आधा दर्द हो गया मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर को। अब वही बात आज आपने बता दी, कोई बात नहीं, एक बार और पढ़ लेंगे। यूनिसेलुलर क्या है? सीधी सी बात, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। बता दो एग्जांपल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, कोई दो ऑर्गेनिज्म के नाम बता दो जो सिंगल सेल हो, यानी कि यूनिसेलुलर हो। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो सेल्स, जो इनमें एक सेल्स पाई जाए, जैसे कि अमीबा, अमीबा, अमीबा और युगलीना, अमीबा युगलीना बैक्टीरिया में भी सिंगल सेल होता है, जिनको हम नेक्ड आई से ना देख सकें, ऐसे हम विजिबल नहीं देख सकते उनको, कहीं देखना चाहें उनको अगर हम, तो हम ऐसे नहीं देख सकते, तो वो क्या है? सिंगल सेल। क्या है वो? सिंगल सेल। अगर मैं मल्टी सेलर की बात करूं भैया, तो जिनमें क्या है? मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा सेल। तो जैसे मैं अपनी बॉडी की बात करूं, मेरी बॉडी में कितनी सेल्स हैं? तो मैं अगर अपने, तो मिलियन ट्रिलियन में सेल्स हैं भाई, मिलियन ट्रिलियन में सेल्स हैं। क्या हैं? मिलियन ट्रिलियन में सेल्स हैं हमारे अंदर। अगर एक रुपए का भी एक सेल्स बिकता तो हम सोचो क्या होते। अमीबा बैक्टीरिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थोड़ा हाँ ठीक। अब हम क्या है? मोर देन वन सेल्स, एक से ज्यादा सेल्स, यानी कि सिंगल सेल ना हो। और इसके अलावा इसका एग्जांपल है प्लांट और एनिमल। एनिमल में हम भी आ जाएंगे, अगर केवल ह्यूमन लिखेंगे तो थोड़ा गंदा सा लगता है कि ह्यूमन लिख दिया, एनिमल लिखेंगे तो सब आ जाएंगे, तो हम भी तो एक जानवर है, एनिमिलिया ग्रुप तो हमारा भी है ना, हम सभी लोग क्या है? एनिमल ग्रुप से है ना, एनिमिलिया ग्रुप से। तो ये बात आपको समझ में आई? अगर नंबर ऑफ सेल्स की बात करी जाए तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। कौन से भाई? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? जिनमें एक सेल्स होती है। और मल्टीसेलुलर्स क्या होते हैं? जिसमें एक से ज्यादा सेल्स होती है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीजें, इन बेसिक चीजों को आप सभी लोग अपनी कॉपी में लिखो। अगर आपको कोई भी एग्जाम देने हैं, नीट वगैरह का एग्जाम आपको देना है, तो थोड़ा एनसीईआरटी को पढ़ना, बेसिक क्लियर करो। जिस दिन तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, तो स्टैंडर्ड अपने आप समझ में आपको आने लगेगा। मैंने क्या बताया ना, टर्मिनोलॉजी है सब्जेक्टिव बायोलॉजी, बायोलॉजी ये टर्मिनोलॉजी, इसका टर्म अगर तुम समझ गए ना, तो इससे इजी सब्जेक्ट कोई नहीं, और बड़े ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप जब पढ़ोगे तो बड़ा इंटरेस्ट पैदा होगा इसको पढ़ने में, कि हाँ और जाने क्या है, अच्छा और जाने इसके आगे क्या है, और जाने इसके आगे क्या है ना, ऐसा इंटरेस्ट पैदा होता है। तो मैंने नंबर पढ़ लिया,
अब अगर मैं बात करूं इनके सेप की, तो सेप भी पढ़ लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। इसको हटा देता, सेप पढ़ लेता। सेप सेप एंड साइज दोनों पढ़ लेता हूं। सेप एंड साइज दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं कि सेप क्या है और साइज क्या है। तो सेप अगर मैं बात करूं, ये तो बात तुम सबसे पहले भूल जाओ कि सेल्स केवल इसी प्रकार की होती, ये तुम सबसे पहले ही भूल जाओ कि ये इस प्रकार की कुछ ओवल शेप में ही होती, या स्पाइरल शेप में ही होती, या सर्कल शेप में होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सेल्स भी है, और अगर मैं बात करूं तो एक ये भी सेल्स है, ये रॉड रॉड शेप है। अगर मैं और बात करूं तो ये ब्रांच्ड सेल है, ये ब्रांच्ड है। आपने ऐसी सेल्स कहां देखी? न्यूरॉन सेल्स, नर्व सेल्स, आप लोगों ने देखी ना, ये ब्रांच है। और अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या है? स्पेंडल शेप, स्पेंडल शेप। तो अगर मैं सेल्स के शेप की बात करूं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये इसी टाइप की सेल्स शेप है। आपका सेल्स का आकार उसके बॉडी के अकॉर्डिंग कैसा है, ये वहां पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि सर ने गोल बनाया था तो सेल्स गोल ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेल्स केवल गोल ही है। सेल्स ओवल शेप भी हो सकती, रॉड शेप भी हो सकती, ब्रांच भी हो सकती, स्पाइरल शेप भी हो सकती, स्पेंडल शेप, सॉरी स्पेंडल शेप भी हो सकती। समझ गए? अब आपको अगर मैं बताना चाहूं ना तो छोटा सा सेल्स यहां पर बना के आपको बताता हूं। आप लोगों ने लाइक दिस कुछ इस प्रकार का सेल्स देखा होगा, सब बच्चे नाम बताएंगे इसका कौन सी सेल्स। जब तक मैं बना रहा हूं, कौन सी सेल्स है? नर्व सेल्स। ये कहां होती? ब्रेन, ये ब्रेन में, और स्पाइनल कॉर्ड। और ये कौन सा शेप है इसका? ये इसको हम बोलते हैं ब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड सेल्स है। देखो ब्रांच कितनी सारी इसमें बनी है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रांच्ड सेल्स। क्या बोलते हैं? ब्रांच्ड सेल्स। ये ब्रांच वाली है, राइट? तो ये भी तो सेल्स ही है, एक नर्व सेल्स। जी ये नर्व सेल्स है, दोनों बात ध्यान रखना, ये नर्व सेल्स है, ठीक है, और ये ब्रांच्ड है। तो यानी कि सेल्स के अगर शेप की बात करूं तो आप, आई हैव मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स, मैनी टाइप्स या मैनी शेप्स ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स शेप हैं सेल्स के, तो राइट। हाँ, इतनी बात जो मैंने आपको बताई ये समझ में आई अच्छी तरीके से? ये अच्छी तरीके समझ में आई? अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये मसल्स सेल्स हैं, ये ओवम सेल्स हैं, ओवम ओवम, ये ओवम सेल्स हैं, ओवम में पाई जाती ओवम सेल्स। सबसे पहले ओवम में सेल्स डिवीजन ही स्टार्ट होता, आपने पढ़ा था फीटस जब बनता है ना, जायगोटिक मियोसिस में या सेक्सुअल मेथड में, सबसे पहले ओवम एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा तो वहीं से सेल डिवीजन स्टार्ट होता है ना। तो ये प्रोफेज में आपको पढ़ा था क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं, ऐसी चीजें बताई थी ना, वहां माइटोसिस और मियोसिस से पढ़ाया था पिछली बार यूट्यूब पर, तो वहां पर आप भी देख सकते हो कि कैसे क्या होता है। तो यहां से बहुत प्रकार की सेल्स मैंने देखी, टाइप्स ऑफ सेल्स देखा, या उनका मैंने ये देखा कि नंबर ऑफ सेल्स भी देखा, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर देखा प्यारे साथी, और हमने ये देखा कि इसमें भी इसके बहुत प्रकार के शेप हैं, तो शेप है। समझ में आई इतनी बात? अब आता है सबसे मेन बात, शेप हो गया, साइज बचा।
साइज बचा, साइज बता देता हूं और उसके बाद में इस क्लास को वाइंड अप करेंगे, कल फिर आपको इसी के आगे कंटिन्यू पढ़ाएंगे। साइज बता देता हूं, इसकी लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट है, आप सभी लोग जुड़े रहेंगे, कोई बच्चा जाएगा नहीं, लास्ट है, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में बता रहा हूं। सब बच्चे एक बार नाम लिख करके ही जाएंगे, अभी कोई नहीं जाएगा। मैं कह दूं साइज, तो भैया साइज तो दो ही हो सकते हैं, एक हो सकता स्मॉलेस्ट और एक होता लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल। सेल तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसकी होती है? तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है भैया, सबसे छोटी सेल्स वो होती है माइकोप्लाज्मा। अच्छा, एक सबसे छोटी सेल्स जो होती है, स्मॉलेस्ट सेल्स, उसको हम बोलते हैं कौन सी, वो होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जानते हो आप सभी लोग? माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम भी एक है, PPLO। ये भी याद रखना, कैसे कैसे नाम बता रहे हो सर, ये याद रखना PPLO। अगर इसका मैं बताऊं फुल फॉर्म तो क्या होगा, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आप लोगों से, आप सभी बच्चे बताएंगे कि निमोनिया कैसे होता है, निमोनिया कैसे होता है, आप सभी लोग बताएंगे निमोनिया कैसे होता है, छोटे बच्चों को निमोनिया हो जाता है ना, निमोनिया कैसे होता है, फटाफट अपने मम्मी पापा से पूछ लो साइड में बैठे कि निमोनिया कैसे होता है, कि बस निमोनिया का नाम ही सुनते चले आ रहे हो, कभी आपने जाना नहीं कि निमोनिया होता कैसे, छोटे बच्चों में ही निमोनिया होता है, क्यों होता है, छोटे बच्चे में निमोनिया होता है, बहुत खतरनाक बीमारी है, कैसे होता है, सभी बच्चे बताएंगे निमोनिया कैसे होता है, किसी को नहीं पता, मैं बताता हूं। निमोनिया जो होता है, निमोनिया का जो वायरस बैक्टीरिया या जो भी उसका फैक्टर है, पैथोजन है, वो हमेशा कूलिंग पॉइंट में पाया जाता है, जहां पर ठंडी चीजें होंगी वहां पर वो पाया जाता है। आप कोई छोटा सा बेबी है, उसको कूलर चला दो और कूलर चलाने के बाद में उसको लिटा दो, तो उस पर क्या, उसकी भैया इम्यूनिटी पावर कम है, उसका इम्यून सिस्टम वीक है, आपने कूलर में लिटा दिया। और जो कूलर है, एसी है, ये हमेशा कूलिंग पॉइंट है, ये हमेशा ठंडी हवा देते हैं, एसी तो भैया बहुत ही ठंडी हवा देता है, आप लोग जानते हैं, एसी लगा लो मजा आ जाए, बिल्कुल भाई साहब पता ना चले 12 घंटा की नींद भी क्या है, आराम से सो, है ना, एसी, उस एसी में आपने देखा होगा उसके पीछे से पानी टपकता रहता है, एक पाइप सा लगा होता है, उस पाइप से पानी टपकता रहता है, जो पानी टपकता है ना प्यारे साथी, उसी में वो PPLO यानी कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाता है, और वो जनरेट हो जाएगा, और वो जब बाहर से हवा एसी अंदर फेंकेगा तो उसी के माध्यम से, भाई वो ठंडे की तरफ भागता है ना, तो पानी है, पानी से भी ठंडी हवा कहां है, अंदर रूम में, तो आप क्या करोगे, वो रूम के अंदर चला जाएगा, और वहां पर आपने, आप तो बड़े हो, मान लीजिए आप भी लेटे हो, आपको क्यों नहीं हुआ, आपका इम्यून सिस्टम क्या है, स्ट्रांग है, वो आया तो उससे फाइट कर गया, लेकिन बेचारे बच्चे का इम्यून सिस्टम क्या है, स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए उसको तुरंत क्या हुआ, एसी में या कूलर में आप जैसे लिटा दिए, उसको तुरंत निमोनिया हो गया, सांस संबंधी विकार हो गया, सांस फूलने लगी, बुखार हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें होती, तो यानी कि निमोनिया का जन्म हो गया यहां से। तो ये बात आप जानते थे क्या कि निमोनिया कैसे होता है? तो जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं वो सब लोग थोड़ा उनको कम एसी में और पंखे में लिटाएंगे, और ये हमेशा गर्म जगह पे नहीं रहेगा, ठंडी चीजों में ही आएगा, अगर आपके रूम में थोड़ी सी गर्मी है तो निमोनिया का वायरस वहां पर बैक्टीरिया नहीं आएगा, आपको निमोनिया ये ऑर्गेनिज्म पीपोलाइक प्यूलो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर सकता। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा, सबसे छोटी सेल्स इसकी होती है, मैंने बताया ना
सबसे छोटी सेल से इसकी है, किसकी? PPLO की। और सबसे बड़ी ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी सेल्स पाई जाती है शुतुरमुर्ग। बताते शुतुरमुर्ग का अगर अंडा है, एक अंडे की आमलेट बनाई जाए तो 1000 आदमी खा सकता है। एक अंडे से 1000 आदमी आमलेट खा सकता है, इतना बड़ा ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। तो सीधी सी बात, मैंने बताया था कि ओवम सबसे पहले क्या होता है, ओवम से ही फर्टिलाइजेशन, ओवम से ही सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। जब अंडा बड़ा तो सीधी सी बात सेल डिवाइड हुई होंगी तो सेल भी बड़ी, तभी तो 1000 आदमी एक अंडे में आमलेट खा सकता। समझ गए आप सभी लोग? आप सभी लोगों को समझ में आया? अब मेरी जो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी कल की क्लास के लिए, वो हेडिंग ये होगी कि सेल्स किस किस से मिलकर बनी, सेल्स कैसे बनी। जो आपने सबसे पहले सेल का ये बनाया डायग्राम, एक फोटो बनाया, ये सेल्स कैसे बनी, इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। एक बार सभी विद्यार्थी अपना नाम लिख देंगे, 11-12 बच्चे जुड़े हैं इस समय, जो भी लोग जुड़े हैं वो सब बच्चे एक बार अपना नाम लिख देंगे ताकि मैं समझ जाऊं कौन कौन लोग हो आप। फटाफट आप लोग लिख दो और आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, अभी बहुत सारा काम करना है, है ना। तो अभी हम क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और कल हम आपको इसी समय मिलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी बच्चे हैं हमारे जानकार के, सब बच्चे नाम लिख देंगे, अप्रत्यक्ष रूप से मैं उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं जो भी मेरी इस लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं। आपको भगवान जरूर सफलता दे, आप इतनी मेहनत कर रहे हो। आप सभी लोग नोट्स बनाओ, अच्छे तरीके से पढ़ो, सलोनी भी हैं, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई जीवन का हिस्सा जिस दिन बन जाएगी ना, उस दिन तुम सफल हो जाओगे, तुमको कोई रोक नहीं सकता सफलता से। पढ़ाई जिस दिन तुमको, भाई देखो भाई, तुमको कुछ समाज में अगर अलग करना तो घंटे के अकॉर्डिंग नहीं, घड़ी नहीं देखनी पड़ेगी, घड़ी के अकॉर्डिंग मत पढ़ो, फिर ऐसे पढ़ो कि कितना टाइम हो गया कुछ पता नहीं। समझ गए? तो आप सभी लोगों को यहीं तक के लिए क्लास मैंने आज पढ़ाई है, कल हम इसके आगे की क्लास आपको कंटिन्यू करवाएंगे। थैंक यू, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी की मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। शुभ रात्रि, मिलते हैं आपको कल इसी समय। थैंक यू।